पहले तुम इस मसले को हल कर लो, बाद में शादी कर लेना। हिकमत, मसला क्या है तुम्हारा? तुम्हें बताया ना मैंने पहले। बात सुनो, मेरी बात सुनो, फिजा को अकेला नहीं छोड़ सकता और आइंदा सवाल मत करना। हाँ दे। क्या अजीब सवाल होते हैं यार। हम मानते हैं कि तुम सब संभाल लोगे, लेकिन अगर ना संभाल सके तो क्या होगा? तुम उस औरत के साथ चले जाओगे यहाँ से? मैं कहीं नहीं जा रहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अमेरिका नहीं जा रहा उसके साथ। ठीक है, मत जाओ, फिर हर हफ्ते फिजा से मिलने जेल में चले जाना। ठीक है, फिर फिजा को बता दो जाके, सब कहो बासित से रिश्ता तोड़ दो, फिर देखना उसकी हालत देखना। तुम ये क्या कह रहे हो बासित? मतलब तो यही है ना रहमत, जैसे मुझे तो परवाह है ही नहीं है फिजा की बिल्कुल भी। तुम्हें एक बात मैं अभी बता देता हूँ, कान खोल के सुनना, कुछ भी गलत हुआ तो हम सब मिलके पीटेंगे तुम्हें। जो करना है कर लो, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। मुझे लग रहा था वो पहुंच चुका होगा, पता करो उसका कहां है वो आदमी। फिक्र नहीं करो, आने वाला होगा। अरे अरे बाबा, ये तुम सब यहाँ तुरान के कैफे के पास क्या कर रहे हो? आ जाए आप भी, आपके दामाद का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बोतल मिलेगी ना मुझे यहाँ पर? बाबा क्या है ये? क्या, अगर बोतल नहीं पिलानी थी तो हमें क्यों बुलाया यहाँ पर? चलो यार निकलते हैं। अरे फखरी भाई रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं आप? फिजा शादी कर रही है कल बासित के साथ, आ जाए। अच्छा, फिर तो जबरदस्त पार्टी होनी चाहिए, मुझे पार्टीज बहुत पसंद है। आ जाए, कराते हैं आपको पार्टी। कितनी शादियाँ करोगे यार तुम? एक तो अंदर ही, आप दरवाजा खोले यार। हाँ, चलो आजो अंदर। चले आजो। ओके चलो चलो अंदर चलते हैं। आजो आजो, बात करते हैं कुछ इनसे, देखते हैं क्या निकलता है। थैंक यू थैंक यू। बैठो मेरी जान, बैठो तुम यहाँ। हाँ तो आ गए आप सब लोग। हाँ वकील साहब, चले आ जाइए, शुरू हो जाइए, आपका इंतजार हो रहा था। हेलो एवरीवन, मुझे आने में देर तो नहीं होगी? नहीं नहीं, हम अभी बात ही शुरू कर रहे थे। अच्छा हुआ आ गए। मैं मैंने जमील को फोन करके बुलाया है क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए जो हमारी मदद कर सके, और तुम सब तो जानते ही हो कि जमील कितना बहादुर और कितना इंटेलिजेंट ऑफिसर है। सैफी का भी एड्रेस इसी ने हमें निकाल के दिया था, सही कह रही हूँ ना याले? हाँ बताओ। मुझसे जो हो सका वो मैं कर रहा हूँ। दरअसल मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूंगा कि फिजा दूसरी बार जेल जाए, पहले जो होना था वो हो गया, अब मैं फिजा की मदद करना चाहता हूँ बस। मुझे यकीन है ये सच कह रहा है। हाँ चलो ठीक है, शुक्रिया जमील। चलो बताओ, सुन रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। फिजा ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया वो तो आप जानते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फिजा को जेल भी जाना होगा। अगर तुम थोड़ी आसान जुबान में बात कर लोगे तो सबकी समझ में आ जाएगी तुम्हारी बात। उस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी बातें फिजा के अगेंस्ट जाती हैं वो किसी और ने की हैं, यानी ये सैफी और नेहा की साजिश थी। और गुड न्यूज़ ये है कि एक तरीका है जिससे हम फिजा को इससे बाहर निकाल सकते हैं। शुक्र। ठीक है, फिर इंतजार किस बात का है, मैं फौरन जाकर अरेस्ट कर लेता हूँ उन्हें। हाँ जमील उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। इस तरह गिरफ्तार करके हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिजा ही कसूरवार है और वो खुद को बचा लेंगे। लेकिन कोई प्रूफ तो होगा ना? हाँ हाँ, और बैड न्यूज ये है, वो फाइल नेहा और सैफी के पास है जो हमें किसी भी तरह हासिल करने है, जो बहुत मुश्किल है। तुम इसे बुरी खबर कहते हो? मियाँ तुमने अपनी जिंदगी में बुरी खबरें शायद नहीं सुनी। तुम बस मुझे उस फाइल का पता बता दो, मैं चुरा कर उसे ले आता हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, फिर अगर आप वो डॉक्यूमेंट किसी भी तरह नेहा और सैफी से ले लें तो मैं प्रोसिक्यूटर के पास जाके पूरा प्रोसेस स्टार्ट करवा दूं। ठीक है, समझ गया समझ गया। नेहा के घर में एक अलमारी है, बल्कि एक लॉकर है, उसी में रखी होगी उसने। कल मैं शिराज से मिलने के बहाने वहां जाऊंगा और कोशिश करूंगा किसी तरह निकाल के ले आऊंगा उसे। ये क्या बेवकूफी है, कल तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ तो सोचो। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और हल है तो बता दे फिर मुझे। हमारे पास तैयारी करने का टाइम तक नहीं है, इतनी जल्दी शादी करने की वजह क्या थी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कहीं भागी जा रही थी फिजा क्या? इतने सारे पहले ही मसाइल है, ऊपर से ये शादी। हाँ बासित, कल तुम्हारी शादी है और तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम गए और वापस ना आए तो? इसलिए कह रही हूँ, तुम्हें तो उसके साथ रहना चाहिए। तो फिर क्या करूँ? बासित ठीक कह रही है, तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुम्हें इस वक्त आपा के साथ होना चाहिए, अगर तुम जाओगे तो बहुत बुरा होगा। अरे यार, तो फिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? मैं जाऊँगा वहाँ और फाइल लेकर वापस आ जाऊँगा। हैरत है, तुम लोग फखरी अली बोल को अब तक नहीं पहचान पाए। हाँ अच्छा आइडिया, हम ये कह देंगे कि बच्चे जो थे शिराज को मिस कर रहे थे इसलिए मिलने आ गए, क्या बोलते हो? ओके, अगर यही सलूशन है तो मैं आपको लॉकर की जगह और उसका पासवर्ड बता दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन अगर ये सब कुछ मुमकिन हो तो नेहा से ये बात उगलवाने की कोशिश करनी होगी कि क्यों किया ये सब। हो जाएगा ये काम, मैं मिला था उससे और मैं जानता हूँ कैसे होगा ये। कहाँ मिले थे उससे? नाइट क्लब में। आखिर तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ हर चीज में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये बात कैसे कर रहे हैं मुझसे? ठीक है छोड़ दो यार इसे। हिकमत प्लीज आराम से, एक मिनट सबरा, क्यों ना हम उसके ऑफिस दल दोबारा जाएं? आज तो गए थे उसके ऑफिस लेकिन कोई आया ही नहीं था, क्यों ना हम उसके ऑफिस जाके दोबारा चेक करते हैं कल। हाँ चलते हैं, मगर मैं कोई भी चीज चुरा नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत घबरा जाती हूँ। लेकिन मैं नहीं घबराती, मैं लाऊंगी वो चोरी करके। अरे वाह, ये बात हुई ना, तक हम दोनों के लिए शाबाश। चलो हम जा रहे हैं कारनामा अंजाम देने के लिए, आ जाओ मेरी जान। चलो यार चलो, ठीक है ठीक है, जाइए। चलो खोल भी दो दरवाजा, साहब मैडम के साथ बाहर जा रहे हैं। यार एक मिनट एक मिनट, सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा,
फिजा के जेल जाने के बजाय तुम तीनों जेल चले जाओगे, आखिर हम कर क्या रहे ये? याले, बात यह है कि जेल तो नहीं जाऊंगा मैं, मगर मेरा करियर खराब हो जाएगा। इसके बाद मैं वकालत का काम नहीं कर सकता कभी। मैंने आपके काम के बारे में थोड़ी पूछा है मिस्टर सलीम। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर रेहा जेल चली गई तो उसके छोटे से बच्चे शराज का क्या होगा? मैं हूँ ना उसका ख्याल रखने के लिए, मैं रखूंगा उसे अपने पास, औलाद है वो मेरी। हाँ देखा याले आपा, कैसे ये सारे मसले आसानी से हल कर देता है। आ जाओ यार, तो कह रहा हूँ मैं, आ जाओ। इस जैसे इंसान भी मैंने कभी नहीं। बंद कर दो बातें यार।